नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। YouTube वीडियोस में बहुत सारे दर्शकों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि खून बहुत ज़्यादा पतला होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उनके बारे में बहुत एडवाइस मांगी है। वैसे तो ब्लड थिनर्स के बारे में कई वीडियोस में बना चुका हूँ। आज हम ये जानेंगे कि जिन व्यक्तियों को ज़्यादा ब्लड थिनर्स चल रहे हैं या जिनका खून ज़्यादा पतला रहता है उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात हमें यह समझनी है कि जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो दो ग्रुप मरीजों को चलते हैं। पहला वो जिनका जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको स्टेंट डला है या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। अधिकांशतः मरीजों को एंटी प्लेटलेट ड्रग चलती है, ये भी खून पतला करने की ड्रग होती है। वहीं दूसरी तरफ उन मरीजों को जिनको कि DVT की प्रॉब्लम है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, या जिन मरीजों की वाल्व सर्जरी हुई है, जिन लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत हुई है, और कई तरह के पेशेंट जिनके हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर है, ऐसे व्यक्तियों को भी ब्लड थिनर चलता है, खून पतला करने की दवा चलती है जिसको हम एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। मार्केट में बहुत तरह के नाम से आती हैं, वारफेरिन, एसीट्रॉम, इस तरह की। तो चाहे वो एंटी प्लेटलेट ड्रग हो जो बाईपास के मरीजों में चलती है, या चाहे वो एंटी कोएगुलेंट ड्रग हो जो कि अधिकांशतः वाल्व के मरीजों में, DVT के मरीजों में चलती हैं, और कई तरह की एंटी कोएगुलेंट ड्रग अब मार्केट में आ गई हैं। ये ब्लड थिनर अगर आपको चल रहे हैं इसका मतलब है कि आपका खून सामान्य से ज़्यादा पतला है, और जब आपका खून सामान्य से ज़्यादा पतला है तो हमें यह डर रहता है कि कहीं ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, उसके नुकसान तो नहीं हो गए। हमें दो बातें समझनी है। पहला कि हमारा खून ज़्यादा पतला रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस तरह की घटना हुई है जिसमें खून का थक्का जमा था और जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन हुए, तो खून पतला रहना हमारे लिए लाभकारी है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी समझना है कि एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है हमारा कि भाई खून इतना ही पतला होना चाहिए। जो लोग जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है और एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल, या कई लोग टिकाग्रेल और नाम से दवाई लेते हैं, इस तरह की दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो इन दवाओं में मेज़रमेंट करने का कोई तरीका नहीं होता कि खून कितना पतला हो गया। लेकिन अगर जो मरीज एंटी कोएगुलेंट ड्रग ले रहे हैं जैसे एसीट्रॉम या वारफेरिन और भी कई नामों से दवाइयाँ आती हैं, ये अगर दवाइयाँ वो ले रहे हैं तो इनमें मेज़र करने का तरीका होता है कि आप PTI ना टेस्ट करवाएं। हम रूटीनली ये टेस्ट करवा नहीं सकते, या जिन लोगों को एंटी प्लेटलेट ड्रग चल रहे हैं वो ये टेस्ट नहीं करवा सकते। तो सामान्य जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं खून ज़्यादा पतला होने के, एक तो स्किन पे हमें धब्बे या पैच बन जाते हैं, और दूसरा अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो बार बार दांतों से खून आ रहा है, या बिना ब्रश किए भी कई बार दांतों से खून आ रहा है, या नाक में थोड़ी सी उंगली की हमने और ब्लीडिंग होने लगी, कई बार बड़ा धब्बा बन जाता है, कई बार आपके जॉइंट में सूजन आ जाती है और आपने जांच कराई पता चला कि जॉइंट में ब्लीडिंग हो गई है। तो ऊपरी सतह पर स्किन पर अगर आपको धब्बे बन रहे हैं छोटे या बड़े तो इसका मतलब खून ज़्यादा पतला है। ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, आप अगर एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ ले रहे हैं जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बाद दी जाती है, या अगर आप एंटी कोएगुलेशन ले रहे हैं, दोनों स्थितियों में अगर इस तरह के चकत्ते या धब्बे बन रहे हैं तो आपको ब्लड थिनर को कम करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका है कि अपन PTINR जो टारगेट हमें बताया है डॉक्टर ने कि भाई इतना PTINR होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमें ब्लड थिनर जो खून पतला करने की दवा है वो कम करने की ज़रूरत है। सामान्यतया अगर 3.5 या 4 से ज़्यादा आपका INR जा रहा है तो इसका मतलब ब्लड बहुत पतला है, खून ज़्यादा पतला है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार ब्लीडिंग स्किन पे नहीं होती, अंदरूनी ऑर्गेंस में हो जाती है। तो जैसे अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई तो आपको हेडेक होने की समस्या होती है, या चीज़ें दो दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह अगर उल्टी हुई और आपको काले रंग की उल्टी आ रही है, इसका मतलब कि आपके आंतों में कहीं ब्लीडिंग हुई है, या मोशन लैटरिन अगर काले रंग की आ रही है तो भी इसका मतलब कि आपको ब्लीडिंग हुई है। और जैसे मैंने बताया जोड़ों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, इसका मतलब कि आपको जोड़ों में ब्लीडिंग हुई है। कई बार मांसपेशियों में अचानक बहुत फूल जाती हैं, मांसपेशियाँ कड़क हो जाती हैं तो उसमें मांसपेशियों में ब्लीडिंग हो जाती है। ये तो रही लक्षण की बात।
अब हमें ये समझना है कि ब्लड थिनर का टारगेट अब हम कैसे डिसाइड करें, बार बार टेस्ट नहीं करवा सकते हम। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं तो, और आप कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं जहाँ पे कि ये टेस्ट संभव नहीं है तुरंत करवाना, तो बेहतर होगा कि आप एक डोज़ स्किप कर दें या अपने आसपास किसी डॉक्टर से मिलके उसकी सलाह लेते हुए एक डोज़ वो खून पतला करने की दवा छोड़ दें। और दूसरा, अगर आप टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट उपलब्ध है और आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं तो एक PTNR का टेस्ट करवा लें। और जिनको एंटीप्लेटलेट ड्रग चल रहा है वो एक या दो डोज मिस कर सकते हैं, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो, और फिर डॉक्टर से मिलके अपनी डोज मॉडिफाई कर लें, डोज थोड़ी कम करवा लें। एक बात और समझनी ज़रूरी है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लड थिनर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। वही डोज एक व्यक्ति लेता है तो उसका खून ज़्यादा पतला नहीं होता, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति लेता है तो खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति की डोज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि एक ही डोज सबके लिए स्टैंडर्ड है। तो अगर एक डोज लेने से आप के पड़ोसी को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग की समस्या हो, तो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म होता है, इंडिविजुअल शरीर की संरचना होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उस हिसाब से दवाओं का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जब भी आपका खून ज़्यादा पतला हो जाता है तो आपको ये करना है कि वो PTNR का टेस्ट अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो थोड़े फ्रीक्वेंटली करवाएं, 2-4 दिन के अंतराल पे करवाएं जब तक कि खून वापस से नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। और अगर एंटीप्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं आप जिसमें PTNR करवाने का कोई मतलब नहीं है, उससे पता नहीं चलता, तो ऐसी दवाइयों की डोज हम एक दो डोज स्किप कर दें और फिर डॉक्टर के बताए अनुसार उसकी डोज कम करके और फिर हम आगे बढ़ें। कई मरीजों का ये भी प्रश्न रहता है कि जो ब्लड थिनर लेते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं क्या, या वाल के जो मरीज़ होते हैं वो क्या कभी मोटे नहीं हो सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको ये समझना है कि अधिकांशतः वाल के मरीज जो दुबले पतले होते हैं उनका खून पतला करने की दवाइयों से संबंध नहीं होता। बेसिकली हार्ट का फंक्शन जब कमज़ोर हो जाता है तो हार्ट को और लंग्स को बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है उनको नॉर्मल पंप करने में, नॉर्मल काम करने में। तो शरीर की ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा वो कंज्यूम कर जाते हैं, वो खर्च कर देते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को का मोटापा नहीं बढ़ता। अगर हार्ट फंक्शन नॉर्मल है तो खून पतला करने की दवाई लेने वाले व्यक्ति का भी वज़न बढ़ सकता है, वो नॉर्मल हेल्दी रह सकता है। खून पतला करने की दवाइयाँ उन व्यक्तियों में ज़्यादा असर करती हैं जिन व्यक्तियों की हार्ट की पंपिंग क्षमता कम है, ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी सी डोज से भी खून ज़्यादा पतला होता है। जिन मरीजों को लीवर की प्रॉब्लम है उन मरीजों में भी बहुत जल्दी खून पतला हो जाता है। और इवन जो बहुत दुबले पतले मरीज होते हैं उन मरीजों में भी यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कम डोज में ही खून ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा खून पतला करने की दवाइयाँ लेते समय इस बात का ध्यान रखें। ऐसे मरीज जिनकी बाईपास सर्जरी भी हुई है और वाल्व ऑपरेशन भी हुआ है, या जिन मरीजों को एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ भी चल रही हैं और प्लस एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ भी चल रही हैं, दोनों तरह के एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को और विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन व्यक्तियों को दो अलग अलग दवाइयाँ चल रही हैं जो खून पतला करती हैं, तो आपका खून सामान्य से और ज़्यादा पतला है। और ऐसे व्यक्तियों में खून बहने पर रुकने का रिस्क, ना रुकने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो आप जो भी व्यक्ति खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं उनको जिम में बहुत हेवी वेट उठाना, बहुत विग्रस एक्सरसाइज करना या बहुत तेज़ दौड़ना, इस तरह की एक्टिविटी से बचना चाहिए। उसी तरह आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिनको कहते हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, या ऐसे सारे स्पोर्ट्स, कबड्डी हुई, जिसमें कि आपको अचानक चोट लग सकती है बहुत ज़ोर से, कोई हेवी चीज़ आके टकरा सकती है आपसे, ऐसे में आपको ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो ऐसे स्पोर्ट्स को अवॉइड करें। आपको अगर ब्लड थिनर चल रहा है किसी भी कारण से तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके स्वस्थ रहने के लिए एक सिंपल ब्रिस्क वॉक, आराम से चलना या तेज़ चलना, और थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज ही पर्याप्त है। जिम में बहुत हेवी विग्रस एक्सरसाइज करने से आपके स्वास्थ्य पे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, पर उसके नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। खून पतला करने की दवाइयाँ के विषय में
बहुत विस्तार से मैंने बताया, और यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों को खून पतला करने की दवाएं चल रही हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं उनके, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांशतः दर्शकों को खून पतला करने वाली दवाइयों के संबंध में अधिकांशतः जानकारी से वो संतुष्ट होंगे। फिर मिलते हैं नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।